मिर्ज़ापुर जनपद के विकासखंड पहाड़ी ग्राम पंचायत भरपुरा में नवनिर्मित बने अटल खेल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे द्वारा बताया गया कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को योग प्रतिदिन करना चाहिए जिससे बीमारियाँ दूर हो सके। खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जो किया गया है, इसका उद्देश्य है कि योग के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जाए। एडीओ पंचायत अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया कि योग केवल योग दिवस पर नहीं बल्कि हमें प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव एवं ग्राम प्रधान का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका, जिसमें योग गुरु गौरव एवं उनके सहयोगी योग गुरु खंड विकास अधिकारी रामपाल, ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे, एडीओ पंचायत अरुण कुमार मिश्रा, सचिव धर्मेंद्र कुमार पांडे, ग्राम प्रधान देवमणि दुबे, कुमुद सिंह, आंगनबाड़ी एवं ग्रामीण आदि लोग उपस्थित रहे। भरपूरा ग्राम सभा का बड़ा अच्छा लगा, लमसम 200 जनता यहाँ पे इकट्ठा है योग दिवस के पर्व पे। तो आज क्या कहना चाहेंगे योग दिवस पे, और जो व्यवस्थाएं आपने कर रखा है जो जनता को बहुत ही सुखमय और तरीके से कार्य करने में सफलता मिली, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? हम ग्रामीण से अपने बुजुर्ग बच्चों भाइयों नवयुवक लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज ये योगा कार्यक्रम है, आज जैसा प्रशिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण देखे हैं, उस प्रशिक्षण के तहत जो है अपना योगा करें, स्वस्थ रहें। और ये प्रांगण खेलकूद का मैदान बनाया गया है, इसकी गरिमा को भी बनाए रखें। और मॉर्निंग वॉक और शाम को इसे मेरे गांव के बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सब टाल रहे हैं। जैसे में कि आप काफ़ी बार प्रधान रहे हैं, लेकिन आपकी बार जो प्रधानी रहा और जो नई नई योजनाएं गवर्नमेंट की आप लोग के माध्यम से तमाम प्रकार के जनता जनार्दन को मिल रही सुविधाएं, तो क्या गवर्नमेंट को आप क्या धन्यवाद देना चाहते हैं जो ग्राम सभा के लिए सुचारू रूप से संचालित हो रही है? निश्चित रूप से ये सरकार जो है ग्रामीण अंचलों के लिए, उनके विकास के बहुमुखी विकास के लिए तमाम योजनाएँ चला रही हैं, जैसे खेल कूद का मैदान, ग्राम में साफ सफाई, गांव में जो है आपके कूड़ा घर, रोड रास्ता, हर प्रकार के विकास इस गवर्नमेंट में की जा रही है। जैसे में छोटे छोटे बच्चे आज इस तमाम प्रकार के खेल सामग्री को देख करके बड़ा प्रफुल्लित हैं, और पार्ट टाइम का जो समय निकलता है यहाँ पे आकर के अपने शारीरिक और मानसिक बुद्धि को विकास करते हैं, तो इस बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बच्चों को कहूँगा कि वो अपना शारीरिक मानसिक विकास, ये योगा है, ये खेल है, खेल के माध्यम से अपने आप को विकसित करें, गांव के ऊपर लेवल पर ले जाएं, प्रदेश लेवल पर ले जाएं, और आप वर्ल्ड लेवल में भी हमारे गांव के कुछ बच्चे पहुंचे, मेरी यही कामना है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में जो खेल मैदान बनाया गया है और जिम बनाया गया है, इसका अंतर्राष्ट्रीय ये 9वां योग दिवस है। सरकार का निर्देश है कि इसको प्रतीकात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। मनाने के उपरांत सभी को प्रेरित किया जाए कि इस खेल मैदान में आकर के अपना एक्सरसाइज करें, अपना स्वास्थ्य लाभ करें। एक योग और खेल से आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अपने देश निर्माण में यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ। जैसे मैं पहाड़ी ब्लॉक के हर विद्यालय के जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे, वो योग किस तरीके से करें और किस तरीके से योग करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं? बच्चे आज के इस योग कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और ओम का जाप और योग करके अपने शरीर को स्वस्थ करें, जिससे उनके शरीर का और मन का बुद्धि का विकास हो। जो भरपूरा में कार्यक्रम में योग दिवस का रहा, तो इसके बारे में आप क्या मनगत भावना रखें आप? हम ये कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के लोग यहाँ जो क्रीड़ा केंद्र बना हुआ है, यहाँ प्रतिदिन आकर के अपना योगा करें। जिस तरह से आज सिखाया गया है, योग गुरु ने सिखाया है कि इस तरह से आप लोग प्राणायाम करें, इस तरह से सूर्य नमस्कार करें और अपने व्यायाम योग को करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जैसे में कि आज आप योग किए हैं और आपके पूरे संगठन टीम योग की, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं योग करने के बाद? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम जो ये योगा का था, ये बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोग इस तरह से अगर प्रतिदिन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं आएगा और हमेशा आदमी निरोगी रहेगा। जैसे में कि आप अपने कर्मचारी, अपने सहपाठी, अपने तमाम प्रकार के जो आपके विभागीय व्यक्ति हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे आप योग के बारे में? हम अपने कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी, सभी से अनुरोध और ये अपेक्षा करना चाहेंगे कि सभी लोग प्रतिदिन भोर में उठ करके जहाँ भी समय मिले योगा अवश्य करें। योगा से उनके शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, यही हमारा संदेश है आज का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम ही है कि सबके अंदर योग की भावना जागे।
देखिए जब पूरा विश्व, ये हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि जब हमारा पूरा देश, पूरा भारत 140 करोड़ लोग योग करेंगे, तो योग करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी जितना सरकार का खर्चा हो तो उससे कम से कम 50% हमारा खर्चा बचेगा। और योग में इतनी बड़ी ताकत है कि शरीर को कई प्रकार से निरोगित करता है। योग से मन स्वस्थ रहेगा, मन साफ रहेगा, अच्छे विचार पैदा होंगे, हम अच्छी अच्छी बात, अच्छे अच्छे विषय रखेंगे। अगर योग नहीं करेंगे तो मन हमेशा कुंठित रहेगा और बुद्धि का पतन होता जाएगा। योग से ही बुद्धि बढ़ती है। जैसे में कि आज भरपूरा ग्राम सभा में योग दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो यहाँ के जनता जनार्दन को आप क्या संदेश देंगे? मैं जनता जनार्दन से ये अपील करूँगा कि जो ये खेल का मैदान है, इसका सारे लोग सुबह शाम मिलकर के माताओं बहनों एवं भाइयों एवं बुजुर्ग लोगों से मेरा अनुरोध है कि 100-100 चक्कर इसका लगाएं और उसके साथ ओम का जाप करें। ओम सृष्टि का मूल धर्म है, चेतन का नियम सनातन, इसके ही कारण विनाश से बचास तक जीवन। तो ओम शब्द सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ा योग का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर हम ओम शब्द का जाप करेंगे तो हमको योग करने की सबसे बड़ी ताकत 1000 गुना मेरी ताकत बढ़ेगी। सर, जैसे कि आप बीच बीच में योग का जो भी एक दो ऐसा स्टेप था जो आपने बताया कि इस तरीके से करवाना चाहिए, और हम लोगों से बात की है तो यहाँ पे काफी युवा है जो कि मेरे पास समय अभाव है। योग का कोई मतलब अंत ही नहीं, कितने प्रकार की एक्सरसाइज है, इसका कोई न तो शुरुआत है न तो अंत है। मतलब इसकी कम से कम 1000 से लेकर 2000-3000 विधाएं हैं, जो जिस विधा से कर ले, देखिए शरीर में जिसके जिस हिसाब से फुर्ती होगी।